ये क्या हो रहा है? अच्छा शॉर्टकट वाला ट्रेंडिंग पकड़ लीजिए 5 कैसे नाम निकलता है दीदी, नाम कैसे निकलता है? ये जैसे किसके सर वो आदर्श से नाम है ना, इसलिए तो ऐसे आदित्य नाम था तो ऐसा। नहीं पहचान रहे फटाके चल भी चले ले लिया हूँ ना। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बनारसी ब्लॉगर पूजा। तो ये देखिए क्या हो रहा है, तो मेरे देवर की हल्दी हो रही है। तो कल एंगेजमेंट था, जो वीडियो आपके साथ शेयर की, आज हल्दी है। तो देख लीजिए यहाँ पे एमपी की कैसे हल्दी होती है, आप लोगों को दिखा। जो एमपी के उनको तो पता है रस्म, पर जो यूपी से और अदर जो हैं तो उनको नहीं पता। जैसे मेरे लिए सब चीज़ें एक मतलब अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मैं यूपी से हूँ, शादी मेरी एमपी हुई है, तो ये सब चीज़ें मैं देख ही रही थी, तो मुझे भी अजीब सा लग रहा है। हालांकि मेरे बड़े देवर की शादी थी दिसंबर में, तो उनका रात को हुआ था, तो इतना नहीं मैं नोटिस की। बट अभी देख रही हूँ यूपी से बहुत अलग हल्दी की रस्में होती है यहाँ पे, मतलब कुछ भी मतलब मिलाना नहीं। हाँ बस हल्दी है वो चीज़ दिखता है, हल्दी जो है, बाकी सब चीज़ जो है यहाँ के रिचुअल अलग ही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जिसका नाम से आएगा वही लड़की, मतलब यहाँ कुंवारी लड़कियों का ज़्यादा महत्व है। हम लोग के यूपी में हल्दी जो हर रस्म में बुआ का ज़्यादा होता है, जो किरदार होते हैं बुआ का ज़्यादा, फिर यहाँ कुंवारी लड़कियों को। तो यहाँ पे जिस नाम से, जैसे मेरे देवर जी का नाम है आदर्श, तो दीदी जो जिसका नाम ए से नाम होगा, जैसे अभी आशना दीदी आई, या अंजलि किसी का नाम है, या इस तरह से सब सपना कोई है तो उससे नाम होगा संतोष, नाम सपना है, मतलब बहन का जो है।
तो चलिए यहाँ पे हम लोग के यूपी में क्या है, नदी के किनारे तालाब पोखरे जो उस किनारे से मिट्टी आता है चूल्हा बनाने जाता है, यहाँ पे खेत के साइड में जाते हैं सब वो होता है। तो बुआ का कोई करेक्टर नहीं, यहाँ पे सब जो है ये सब कर रहे थे। तो यहाँ हम लोग अपनी देवरानी जेठानी सब मिल के ये रस्म देख रहे हैं। मेरे लिए है अलग, बाकी सबके लिए तो अपना ही है होता है। जो चीज़ आप शुरू से देखो तो कोई और वो अच्छा लगता है, फिर दूसरा देखो तो अजीब लगता है। तो यहाँ पे हम लोग सब खड़े, क्योंकि आज हल्दी है, कल शादी है। बस चलिए देखिए आप लोग, बहुत लेट में मैं वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, अभी इतना सो रही हूँ कि क्या ही बताऊँ आपको। तो मेरे दोनों देवर की शादी हो गई है और ये मम्मी जी पूजा कर रही हैं और जो होती हैं कराने वाली नाव वगैरह जो वो लोग अपना कर रही है, बाकी सब गाना वगैरह गा रहे हैं। बुआ जी हैं, बाकी सारे लोग आ गए हैं। आप लोग देखते रहिए, बनी रहिए। हम देवरानी जेठानी एक ही जैसे साड़ी पहने, एंगेजमेंट में भी अभी भी हर जगह हम लोग का एक ही जैसे साड़ी, अभी पता है हम लोग साड़ी एक जैसे पहने। हर में तो कलर डिफरेंट होता है बट इसमें कलर सेम वही है। तो सब कह रहे भैया देखना तुम लोग के पति कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि एक ही मेका मेरे जैसे हम जेठानी हैं और देवरानी मेरी पहनी है, कहे तुम तो भाभी हो चलेगा, जेठ कहीं आके ना उसको पकड़े छू ले। तो हम लोग मज़ा ले रहे थे ऐसे सबका। तो चलिए बनी रही, देखते रहे वीडियो का, ढेर सारा प्यार दीजिए। पापा मोबाइल फोटो ले ले, फोटो ले। मिस कल मारे हाँ, ऊपर नहीं छोड़ियो, कुछ दो लेने आई है। तो फ्रेंड यहाँ पे मेरे जो छोटे नंदोई जी हैं जिनकी अभी शादी नहीं थी फरवरी में, जो जीजा जी दीदी वही आई हैं। जीजा जी फर्स्ट टाइम आए हैं अपने ससुराल, मतलब गांव वाले, वैसे तो बनारस वाले आए हैं पर गांव वाले में फर्स्ट टाइम आए क्योंकि साले की शादी है तो भाई आ गए। और ये जीजा जी की बहन है, मतलब दीदी की नंद, बहुत अच्छी नेचर की, इतनी अच्छी कि मैं क्या ही आप लोग को बताऊँ। तो दीदी को हमने बोला था दीदी आपको भी आना है, चलिए कम से कम गांव का घर तो देखिए, मायका देखिए अपनी भाभी का। तो दीदी भी आई है, दीदी के देवर आए, दीदी के ससुर, मतलब सारे लोग, इतना अच्छा लग रहा था, सब लोग मजे आ रहे थे, सब लोग जुटे थे। तो यहाँ सब मेरे यहाँ रिवाज है, जैसे हमारे यहाँ ये मायके में मेरे रिवाज है, मतलब बेटियों का यहाँ दामाद लोग का भी पैर धुलाता है। तो मैं बड़ी हूँ, भाभी हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ सबके पैर धो। यही दीदी है मेरी जिनकी शादी थी फरवरी में, जो रेड कलर का पहनी है, और जीजा जी इनकी नंद है ये। तो बस यहाँ पे पाँव धुलाई, तो मेरे यहाँ भी रिवाज है पाँव धोने का, रस्म होता है, भाभियाँ करती हैं, अगर ननद आई हैं जिसकी वजह से बुआ लोग आती थी तो मम्मी करती थी, अभी हम लोग जाते हैं तो हम लोग की भाभियाँ करती है, चाहे जो भी भाभी, चाहे चाचा की बहू, चाहे अपनी भाभी, जो भी सब पैर धोते हैं लड़के, कहाँ कहाँ का रस्म बताइए। तो यहाँ पे कुछ हो रहा है मंडप में, हमें नहीं आइडिया है क्या है, बस चावल लेके, हाँ सभी देवी देवता को आमंत्रित किया जा रहा है, जो अपने पूर्वज हैं, पुरखापुरी ने सबको चावल लेके निमंत्रित किया। मेरी बड़ी मम्मी जी हैं जो बनारस में, जो दीदी आई है ना उन्हीं की, मतलब मेरी तीसरी नंबर सासू माँ है। तो हो गया, चाची जी इधर बैठी, मम्मी सब बैठ के अपना ये देखो यहाँ का रिवाज क्या है, रस्म देखिए, सबको आमंत्रित निमंत्रण दिया जा रहा है, सब चीज़ अच्छे से हो, जो हमें प्रोग्राम पाने अपना आशीर्वाद वगैरह दे। तो हमको भी सिखाया जा रहा था कि तुम देखो इसके बाद तुमको यहाँ के रस्म का सब चीज़ करना है, हमको मैं इससे अच्छा कैप्चर कर लूँ, वीडियो बना लूँ। पर पता है कितना भी आप वीडियो बनाओ, जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वो नहीं कर पाते आप, वो जो अपने कुछ बड़े होते हैं ना वही वो बताएंगे तो ही आप करोगे। तो ऊपरी दिखाओ, बस ऐसे थोड़ा बहुत दिखा दे, पर जो सब चीज़ें क्या बोला, क्या बनते हैं, क्या चीज़ें होती, वो सब नहीं हो पाते। तो हमको सब दिखाया जा रहा था,
तो चलिए हलवाई भी लग गए हैं, सब भीड़ भाड़ हो गया है। और गर्मी पता है बिल्कुल नहीं है गांव में, क्या ही मैं बताऊं सबको। जो बनारस से लोग आ रहे थे पूछ रहे थे गाड़ी में गर्मी है, बोले आइए तब यहाँ पता चला। सब बोले अरे हाँ यार यहाँ तो गर्मी नहीं है, बनारस में बहुत भयंकर गर्मी है भाई, पर यहाँ गर्म लग ही नहीं रहा क्योंकि हर जगह से पैक है, पेड़ पौधा है, बस गाँव बदनाम है। गाँव में गर्मी होगी कुछ नहीं है भाई, यहाँ नेचुरल हवा मिलता है, वहाँ तो आर्टिफिशियल एसी कूलर है। तो चलिए हो गया, आप लोग बने रही दिख रही आगे का वीडियो।